हमारे साथ बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा जी, आज फिर जो सुनवाई चल रही है, रोज़ सुनवाई हो रही है राम मंदिर को लेकर, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रंजन गोगोई ने ये बात दोहराई है कि किसी भी तरह से 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करनी होगी, क्योंकि तभी हम जाके जजमेंट दे पाएंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का एक बार नहीं, दो बार यह सलाह देना दोनों पक्षों को कि अपने तर्क और तथ्य को समय पर रखें, जो समय सीमा दी गई है, यह दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया ने राम जन्मभूमि मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके महत्व को स्थापित किया है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जो शताब्दियों से आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के दिनों में जो एक तत्परता दिखाई है, उस तत्परता से साबित होता है कि समय पर फैसला आएगा और यह देश दो बार दिवाली मनाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि हम सबको सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, चाहे वे पक्षकार हों या प्रतिकार करने वाले हों या सामान्य नागरिक हों, एक प्रतीक्षा करनी चाहिए और न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस देश को एक सम्मानित पूर्वक राम जन्मभूमि मुद्दे का के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बहुत कम मिलेगा अगर 18 को भी सुनवाई पूरी हो जाती है, जो बार बार कह रहे हैं कि सबको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्ते मिलेंगे जब जजमेंट लिखने के लिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि बहुत मुश्किल है उन 4 हफ्तों में जजमेंट करना, क्योंकि समय कम है, इसीलिए अगर ऐसा हो जाता है, जजमेंट हो पाता, तो एक चमत्कार से कम नहीं होगा। देखिए, राम जन्मभूमि के मुद्दे के बारे में जितने तर्क और तथ्य हैं वो न्यायालय के सामने हैं। अभी जो बाबरी मस्जिद कमेटी के लोग हैं सिर्फ कुतर्क कर रहे हैं, कतरनों का सहारा ले रहे हैं, तो न्यायालय को भी मालूम है कि आखिर तर्क क्या है, तथ्य क्या है और प्री बाबर एरा में वहाँ क्या था। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो मुगल काल का रेवेन्यू रिपोर्ट है और जो ब्रिटिश गजेटियर है, तीन ऐसे एविडेंस हैं जिसको कोई काट नहीं सकता है, जिसके काटने के लिए न बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, कांग्रेस के जो लॉयर उनके साथ खड़े हैं, उनके पास कोई भी तर्क नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो यदि समय पर अपनी बात को समाप्त कर दें तो समय पर फैसला आएगा और यह देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय पर फैसला जितनी जल्द आए, इस देश के लिए, इस देश की संप्रभु ताकत के लिए और इस देश की पंथ निरपेक्षता के लिए अच्छा होगा। बहुत दिन बाद साफ तौर पर राकेश सिन्हा कहना है कि बहुत ही गंभीरता दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उम्मीद है कि समय पर जो बातें की जा रही है उस समय के अनुसार ही इस विवाद का, पूरे राम जन्मभूमि को लेकर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा। करण रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।